हाँ भाई शेरो वेलकम बैक तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे इसको पॉज किया था कि हम पिवीट टेबल आपका बना चुके थे ठीक है और इस पिविट टेबल के अंदर अब हमने क्या करना है अब हमने ये करना है कि देखें कोई कोई वैल्यूज़ आपको मोर देन वन मिलेंगे यहाँ पे ठीक है जैसे ये देख लें टू है यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे भी टू है कहीं थ्री है कहीं फोर होंगी लाइक like डिफरेंट क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कस्टमर्स एक कस्टमर ने मोर देन वन आइटम्स बाय किए हैं एक आइटम को मल्टीपल टाइम्स बाय किए लाइक मिल्क के थ्री बॉक्स थ्री थ्री बॉक्सेस लिए हैं ठीक है और इस तरह ना ट्रांजेक्शन हुई हैं डिफरेंट तो हमने क्या करना है हमने उनको सिर्फ सिंगल काउंट करना है क्योंकि अप्रिय अलगोरिज्म जिस तरह जिस तरीके से वर्क करता है वो सिंगल की बेस पे हमने ना अपनी डेटा स्ट्रक्चर अपने डेटा को स्ट्रक्चर करना है तो जितने भी ये पॉजिटिव है ना जितने भी मोर देन वन है इनको हमने वन कर देना है और जितने भी जीरो हैं या जीरो से कम अगर कोई नेगेटिव है वैल्यू तो वो जीरो हो जाएगी उसको हम जीरो कर देंगे तो एक टाइप की इनकोडिंग कर रहे हैं हम इनकोड करते हैं बेसिकली हम लोग अब और इनकोडिंग करने के लिए मैं यहाँ पे फंक्शन लिख देता हूँ एक डेफ इनकोड का जो कि ये वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा ठीक है अब इसको हम चेक करते रहेंगे अगर एक इफ इज लेस देन इक्वल टू जीरो तो यहां पे रिटर्न जीरो कर दो नहीं तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो यहां पे आप रिटर्न वन कर दो और सिंपल ये आपकी इंकोडिंग हो गई है ठीक है और बस अब आप आपने क्या करना है इस फंक्शन में अपने डेटा अपने डेटा पर ये फंक्शन अप्लाई कर देना है तो यहाँ पे मैं बास्केट अपने डेटा सेट को नाम देता हूँ न्यू जो बनेगा ट्रांजैक्शंस हमारे डेटा सेट का नाम था ट्रांजैक्शंस डॉट अप्लाई मैप अब अप्लाई मैप बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो हर वैल्यू को इस फंक्शन पे अप्लाई कर देगा डेटा सेट की ठीक है तो यहाँ पे आप अप्लाई मैप इन कोड कॉल कर देंगे बस यूं करना है आपने तो बेसिकली आपका इधर हो जाएगा अब हम इसे रन करते हैं इसे रन कर दिया हमने अब हम बास्केट को देखें अपने डेटा को देखें तो यहां देख सकते हैं अब आपके जितने भी मोर देन वन वैल्यूज हैं वो वन में कन्वर्ट हो गई हैं तो ये हमारा डेटा सेट अब रेडी हो गया बिल्कुल प्रोसेस्ड हो गया अब इस पर हम अप्री एल्गोरिदम लगाते हैं एक और चीज़ मुझे याद आई थी मैंने लास्ट टाइम आपको बताई नहीं थी या मैं आई गेस मैं भूल गया था तो जो यह, यहाँ पे जो न, ये सपोर्ट कॉन्फिडेंस और लिफ्ट है इसके फॉर्मूलाज है ठीक है तो वो मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ ताकि आपको और इजी हो जाए जो बेसिकली आपका एलगोरिदम जो है वो इन फॉर्मूलाज के बेस पे सपोर्ट कॉन्फिडेंस और लिफ्ट कैलकुलेट करता है तो वो मैं यहां लिख देता हूं सपोर्ट का क्या फॉर्मूला है सपोर्ट का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कॉमा बी ए और बी कोई भी आपके प्रोडक्ट हो सकते हैं ठीक है डिवाइड बाई एन एन आपकी टोटल ट्रांजेक्शन है ठीक है सॉरी मैं इसे रन क्यों कर रहा हूं मार्कडाउन है ठीक है यह आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन है यहां पर लिख देते हैं ए एंड बी प्रोडक्ट और यहां पर एन इज टोटल ट्रांजेक्शंस ठीक है ये आपका ये सपोर्ट का फॉर्मूला हो गया ठीक है अब कॉन्फिडेंस का मैं लिख लेता हूँ आपको ये अप्रायरी एल्गोरिदम सारे इसी तरह फॉर्मूले इन्हीं फार्मूलेस के बेस पे आपकी वैल्यूज डिफरेंट निकालते हैं सपोर्ट की निकालेगा कॉन्फिडेंस की निकालेगा और लिफ्ट की निकालेगा ठीक है कॉन्फिडेंस का मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ फ्रिक्वेंट ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वही मैंने आपको बताया था कि क्या फ्रीक्वेंट पैटर्न है ए एंड बी अकर होने का गिवन इन दैट के ए अकर हो रहा है ये हो गया आपका अब लिफ्ट कर लेते हैं हम और लिफ्ट का फॉर्मूला ये है सपोर्ट टोटल सपोर्ट जो है लाइक like, जो टोटल सपोर्ट आती है वो सपोर्ट और डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय सपोर्ट ऑफ बी ये कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला हो गया ये लिफ्ट का फॉर्मूला हो गया तो बेसिकली ये फॉर्मूलाज़ यूज करता है आपका एल्गोरिदम और इसकी बेस पे वैल्यूज निकालता है इसको मैं मार्कडाउन में कर लू तो ये मैंने लास्ट टाइम बताया नहीं था तो मैं अभी बता रहा हूं कि ये फार्मूलाज हैं ठीक है सपोर्ट कॉन्फिडेंस और लिफ्ट के तो अब हम यहाँ पे अपनी डेटा सेट पे अप्रायरी एलगोरे इम्प्लीमेंट करते हैं फ्रिक्वेंट आइटम सेट हम निकालेंगे क्योंकि अप्रोयरी से हमारे पास फ्रिक्वेंट आइटम सेट ही आते हैं तो अप्रोयरी हमने ये फंक, ये हमने इम्पोर्ट किया हुआ है ऊपर आपको रिवाइज़ में करा दूँ नहीं किया सॉरी प्रायरी ठीक है अब ये चीज हम इंपोर्ट करेंगे इधर से फ्रॉम एम एल एक्स एम एल एक्स डॉट जो हमने वो पैकेज इंपोर्ट किया था एम एल एक्स टेन डोट फ्रिक्वेंट पैटर्न सॉरी इंपोर्ट एप्रॉयरी ठीक है और एक और आपने करना है एम एल एक्स टेंट फ्रिक्वेंट पैटर्न इम्पोर्ट इम्पोर्ट आपने करना है यहां पे एसोसिएशन रूल्स ये ये दो आपके मेन लाइब्रेरीज है जिसके बेस पे आपका एल्गोरिथम यहां पे इंप्लीमेंट होगा तो ये हम इंपोर्ट कर लिए हमने अब हम यहाँ पे अप्रोरी एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करते हैं इस कंस्ट्रक्टर में आपका तीन से चार पैरामीटर्स जा सकते हैं ठीक है, है? पैरामीटर हम अपना डेटा सेट पास करेंगे इधर ठीक है तो बास्केट है जो हमने पास कर दिया अब हमने अपना डेटा सेट लिख दिया है और अब हम यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट क्योंकि बेसिकली आप देख सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट बाय ही नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है उसका सपोर्ट कम होगा तो हमने एक मिनिमम थ्रेश रखना है कि इस सपोर्ट से जितने जिन जिन प्रोडक्ट्स का सपोर्ट इस थ्रेश से कम आएगा हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे ठीक है तो यहाँ पे मिन सपोर्ट हम लिख देते हैं जीरो पॉइंट जीरो सिक्स लिख देते हैं ठीक है और यहाँ पे बस हम यूज कॉल नेम्स का करेंगे एक पैरामीटर और लिखेंगे बस और यहाँ पे अब फ्रिकुंट आइटम सेट का हमने यहाँ पे इसमें हमें फ्रिक्वेंटम आइटम सेट आ जाएंगे और अब हम रूल्स निकालेंगे रूल्स भी फाइंड करेंगे वो हमारे पास आएंगे एसोसिएशन रूल्स जो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है तो वहां से हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं वहां से हम इसे फाइंड कर लेते हैं और रूल्स एसोसिएशन रूल्स के अंदर इसके अंदर हमारे फ्रिकुंट आइटम सेट जाएंगे क्योंकि आइटम सेट से ही आपके रूल्स बनते हैं ना तो हम इसमें ये पास करेंगे और मैट्रिक यहां पे हमारा कौन सा मैट्रिक है लिफ्ट मैट्रिक है क्योंकि बेसिकली हमने रूल की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है ना कि कितना स्ट्रांग है रूल वो एप्लीकेबल है भी या नहीं अगर हम उस रूल को कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो वो मैट्रिक हमें लिफ्ट चाहिए इस केस में और मिनिमम थ्रेश होल्ड जो हम रखेंगे लिफ्ट की वो यहाँ पे हम अभी वन रख देते हैं ठीक है ये हो गया अब हम इसे रन करते हैं ये रन हो गया और अगर हम रूल्स डॉट एड करें देखें जरा तो ये देख सकते हैं आप हमारे पास एक मिनट ये क्या क्वांटिटी ओके 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 ठीक 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 यहां पे हमने गलती की है यहां पे जब हम ग्रुप बाय कर रहे थे तो हमें यहाँ पे क्वांटिटी से ग्रुप बाय करना है क्योंकि देखें पीवी टेबल का एक प्रॉपर्टी है कि यहां पे आपके इंडेक्सेस जो हैं वो यहां पे आप जो सेट हमने जो सेट किया मेंबर नंबर ये इंडेक्स बन गया कॉलम्स में हमारे आ, आपके प्रोडक्ट्स आ गए और जो ये वैल्यूज़ हैं ना ये ये क्वांटिटी की होंगी ठीक है तो वैसे वो कंसिडर कर रहा है क्वांटिटी लेकिन हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा ठीक है अगर हम इसे यहाँ लिख दें क्वांटिटी तो अब ये क्वांटिटी को सम करेगा और इन सारी वैल्यूज़ को क्वान्टिटी कंसिडर करेगा ठीक है तो अगर हम इसे रन करते हैं ट्रांजेक्शन्स को फिलन अब सारा रन करना पड़ेगा हमें अब देखें अब ये चला गया क्वान्टिटी ठीक है क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पे हमारे फिल हो गए वैल्यूज क्वांटिटी के बेस पे अब वैल्यूज आ रही हैं क्वांटिटी की वैल्यूज़ आ रही हैं ठीक है आई डोंट नो पहले भी आई गेस हमने सही किया था लेकिन कोई इशू था तो ये लाजमी करना पड़ेगा सॉरी हमने मिस्टेक की थी एक तो ये एक फिक्स कर लीजिएगा पार्ट वन में मैंने नोट नहीं किया था ये तो अभी हम ये फिक्स कर लिया हमने तो अब हम फिर से एक बार इसे रन कर देते हैं सारा बास्केट हमारे पास आ गई बास्केट फाइनल डेटा सेट आ गया अब हम इसको फिर से रन करते हैं अब देखें अब हमारे पास सही आया अब देखें अगर एंटीसीडेंट्स वो होते हैं जो आपने पहले बाय किए जो ए कह लो जो मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपने फर्स्ट बाय किए कॉन्सिक्वेंट्स वो होते हैं जो आपका पैटर्न ये बाय करने के बाद आपने ये बाय किया है ये पैटर्न देख रहा है तो इसका कॉन्फिडेंस कितना है जीरो पॉइंट वन थ्री लाइक मिल्क बाय करने के बाद बी लोग बहुत कम बाय कर रहे हैं तो इसका कॉन्फिडेंस बहुत कम है तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे ठीक है इसका एक और तरीका है इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि फिल्टर फिल्टर सक, कर सकते हैं कि रूल्स यहां पे रूल्स लिफ्ट यहां पे लिफ्ट है अब इसको हम देख लेते हैं बल्कि लिफ्ट से नहीं हम कॉन्फिडेंस से कर लेते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस ही हमारा मेन लिफ्ट और कॉन्फिडेंस दोनों हमारे मेन है लेकिन यहाँ पे हम पहले कॉन्फिडेंस से करते हैं फिर लिफ्ट से करके देखते हैं ठीक है यहाँ पे हम देखते हैं कॉन्फिडेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फोर से अबव हो तब हम उसको कंसिडर कर सकते हैं उस पैटर्न को उस एसोसिएशन रूल को ठीक है तो जीरो पॉइंट जीरो फोर करें जरा फोर करें सॉरी तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जितने भी हैं इन सब के कॉन्फिडेंस हैं इन सब रूल्स के कॉन्फिडेंस जो हैं वो सबसे जीरो पॉइंट फोर से, से ज्यादा हैं ठीक है तो काफी आए हैं हमारे पास ठीक है बीफ अब बॉटल्ड भी अदर वेजिटेबल्स इनका कॉन्फिडेंस अब हम लिफ्ट क्योंकि हमारे पास ज़ाहिर सी बात है हमने हमारे पास फिल्टर करने कॉन्फिडेंस की बेस पे फिल्टर करने के बाद भी हमारे पास काफी रूल्स आए हैं तो हम इसको लिफ्ट की बेस पे भी कर देते हैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करते हैं और रूल्स लिफ्ट लिफ्ट के हम करते हैं लिफ्ट के यहाँ पर हम वैल्यू हम कर सकते हैं वन पॉइंट क्या करें तो ये हमारी बेसिकली हमने यहाँ पे वन से ऊपर करें तो ये हमारे बेसिकली मोस्ट कह सकते हैं आप एसोसिएशन रूल्स स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रूल्स इनकी लिफ्ट वैल्यू वन से ऊपर है ठीक है तो कॉन्फिडेंस भी इनका वह जीरो पॉइंट फोर से ऊपर है तो इसकी बेस पे ना ये आपका एक मेन आपका आइडिया हो गया आपको कि किस तरह सुपर मार्केट्स और ग्रोसरी स्टोर्स में इस तरह के स्ट्रेटजीज और टेक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं अपने प्रॉफिट को इनहस करने के लिए तो ये एक एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर की कि आप इसे सुपर में यूज कर सकते जितने भी डेटा साइंटिस्ट हैं और डेटा एनालिस्ट हैं वो इस टाइप की स्ट्रेटजी यूज करते हैं सुपर मार्केट सुपर मार्केट्स और ग्रोसरी स्टोर्स डिफरेंट वगैरह तो बिजनेसेस अपने जितने भी सेल्स हैं प्रॉफिट्स हैं वो इस तरीके से इनहानस करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल ठीक है तो ये आपका अप्री एलग्रिजम मार्केट बास्केट एनालिसिस जैसे बोलते हैं ये आपका रेडी हो गया है तो बेसिकली ये आप ठीक है रिज्यूमे में अपने अटैच कर सकते हैं इसकी डिटेल्स देख सकते हैं काफ़ी काफ़ी इम्प्रेसिव प्रोजेक्ट है ये तो आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स में समझ आई हो कोई कोई प्रॉब्लम है कोई नहीं समझ आई हो तो काइंडली कमेंट्स में आप बताएं मुझे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा वो कमेंट्स में आप, आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करने की तो ठीक है स्टे सेफ टेक केयर और गुड बाय